आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ फ्री फायर के टॉप 7 हिडन प्लेस के बारे में सीएस रैंक के अंदर, जो कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इससे पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा इस ट्रिक को। ट्रिक नंबर 7, ये वर्क करने वाला है हमारा रीम नाम विलेज के पास। आप लोग तसैया क्रेडिट कार्ड यूज करके जल्दी से यहाँ पर आ जाओगे एंड यहाँ पर आप लोग को सिंपली एक ग्लूवल डाल देना है। और याद रहे, सामने एनिमी आ जाते हैं तो उससे बच करके आप लोग को यहाँ पर ग्लूवल डालना है। एंड डालने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सेकेंड ग्लूवल कुछ इस तरह से डालना है एंड थर्ड ग्लूवर यहां पर इस तरह से डाल देना है। तो तीनों ग्लूवर डालने के बाद यहां पर से आप लोग जंप कर सकते हो, इजीली जंप कर लेना एंड ग्लूवर पे ध्यान से चलना, नहीं तो आप लोग नीचे गिर सकते हो क्योंकि पास आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होंगे एंड जल्दी से यहां पर इजीली आ जाओगे। एंड आने के बाद यहां पर देख सकते हो एक एनिमी है, तो इसको मैं मारने का ट्राई करता हूं तो ये इजीली मर जाता है और इसको पता भी नहीं चलता कि मैं कहां से मार रहा हूं। तो ये काफी ज्यादा अच्छा प्लेस है, देख सकते हो एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया, दो बंदा नॉक हो चुका है एंड ये लास्ट वाले बंदे पर मेरा हेड नहीं लगता। तो देख सकते हो यहाँ पर ये ग्लूवल डाल देता है एंड यहाँ पर मैं काफी अच्छा से भोया कर लेता हूँ। देख सकते हो आप लोग ऊपर में कि 0-3, मतलब 3 राउंड में लगातार जीता हूँ ऐसे ही ट्रिक को यूज करके, और आप लोग भी जीत सकते हो एवरी सीएस मैच। तो ध्यान से सब हिडन प्लेस देखना, मैं खुद भी यूज करता हूँ एंड देख सकते हो यहाँ पर से इजिली इसको मार देता हूँ। ये स्पेशल हिडन प्लेस है जो कि आप लोग को मैंने बता दिया है। तो देख सकते हो फाइनली भोया भी हो चुका है। ट्रिक नंबर 6, ये वर्क करने वाला है हमारा पोचिनो के पास। जैसे ही आप लोग यहाँ पर आओगे तो सामने डबल डोर के बंदे से आप लोग को फाइट करना ही होगा, क्योंकि अगर बंदे नहीं होगे तो इस ट्रिक को जल्दी से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड उससे पहले आप लोग देख सकते हो मुझे तो मिला है बंदे, तो मैंने उसको मार करके इस वाले प्लेस पे आ चुका है तसैया करेक्टर को यूज करके। एंड यहाँ पर कवर लेके आप लोग किसी भी बंदे को मार सकते हो एंड भोया भी ले सकते हो। एंड देख सकते हो सामने मेरा बंदा है, सभी को मैं कवर दे सकता हूँ। ये काफी अच्छा प्लेस है, आप लोग भी ट्राई जरूर करना। मैंने तो किया, यहाँ पे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है और यहां पर विक्ट्री भी हो चुका है। ट्रिक नंबर 5, ये वर्क करने वाला है हमारा कैप्टन के पास। सबसे पहले आप लोग 3-3 राउंड देख लो, ठीक है ना, 3-3 राउंड हो चुका है और मुझे इस वाले गेम को जीतना है तो मैं इस ट्रिक को अप्लाई करूंगा। फर्स्ट ग्लूवल ऐसे लगाना है, सेकेंड ग्लूवल भी कुछ इस तरह से लगाना है। फर्स्ट टाइम आप लोग ट्राई करोगे तो ये नहीं होगा एंड देख सकते हो मैंने लगा दिया है तो यहाँ पर हो चुका है एंड इसके ऊपर इजिली आ जाओगे क्योंकि ये लास्ट राउंड था, मुझे कैसे भी करके जीतना था। एंड मैं इस ट्रिक को अप्लाई करके लिटरली बता रहा हूँ, मैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाया और इस गेम को भी मैं जीत जाता हूं। देख सकते हो कैसे जीतता हूं। एंड सामने वाला बंदा था, उसको मैं मार के डैमेज दे रहा था एंड पीछे से एक बंदा मार रहा था तो उसको मैं डैमेज दिया तो हेड पकड़ा। भाई देखो मेरे को भी डैमेज दिया पर उसको मैंने हेड मारा, क्योंकि इस वाले प्लेस पे आप लोग का एडवांटेज ये है कि ऊपर से मारोगे तो हेड पर ही चिपकेगा। हां गाइस, और उसके बाद आप अपने टीममेट को कवर दो या फिर बंदे को मारे, इजीली यहां से मार सकते हो। एंड गाइस देख सकते हो यहां पर सामने एक बंदा था तो मैं इसको मारने का ट्राई कर रहा था लेकिन लग नहीं रहा था। देख सकते हो मैंने उसको डैमेज दे दिया है, अब मेरा टीममेट उसको इजीली मार देगा। एंड इसका काफी अच्छा एडवांटेज है गाइस, देख सकते हो मेरा बंदा ने उसको मार दिया है, ठीक है, डैमेज दे दिया। और लास्ट बंदा बचा हुआ था तो मैं इसको हेड मारने की ट्राई कर रहा था बट हेड तो लगा नहीं, ले ये बंदा मर चुका है। तो गाइस आप लोग इस तरह के यूज करके, इस ट्रिक को यूज करके आप लोग काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। ट्रिक नंबर 4, ये वर्क करने वाला है हमारा मिल के पास। गाइज यहाँ पर आ जाना है, उसके बाद एक ग्लूवल डाल देना है एंड डालने के बाद दूसरा भी ग्लूवल डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद आप लोग इसके ऊपर आ जाना है एंड दूसरा भी इसको अप्लाई करके इसके ऊपर आ जाना है। एंड कुछ लोग बोलेंगे भाई ये कौन सा ट्रिक है, तो आप लोग सबर करो, यहाँ पर से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेंगे। यहाँ तो आप लोग सोकर आप लोग बंदे को इनविजिबल हो जाओगे, यहाँ पर कवर ले सकते हो एंड देख सकते हो इधर से अगर बंदे आएंगे तो इधर के बंदे को भी मार सकते हो एंड इधर से बंदे आएंगे तो इधर के बंदे को मार सकते हो। तो देख सकते हो फाइनली बंदे आ चुके हैं तो मैंने इसको आराम से मार दिया है एंड यहाँ पे विक्ट्री भी हो चुका है। ये काफी अच्छा ट्रिक है, आप लोग अप्लाई जरूर करना। ट्रिक नंबर 3, ये वर्क करने वाला हमारे क्रॉक टावर के पास। एंड इस क्रॉक टावर के अंदर मैं दो ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि दोनों धासु है। एंड इसके पास आने के बाद आप लोग यहाँ पर आने के बाद एक ग्लूवल डाल के इसके ऊपर चढ़ जाना है एंड दो ट्रिक है गाइस, तो एंड मिस मत करना, ठीक है गाइस। तो देख सकते हो इस वाले क्रॉक टावर के ऊपर मैं आ चुका हूँ इस वाले प्लेस के पास एंड आने के बाद यहां पर देख सकते हो आप अपने टीममेट को डैमेज दो या बंदे को मारो, चारों साइड के बंदे यहां से आप लोग को दिख जाएंगे और मार सकते हो। तो देख सकते हो यहां पर मैं टीममेट को कवर देता हूं और बंदे को डैमेज देता हूं एंड देने के बाद देख सकते हो मेरे सारे टीममेट जो है ना वो मर जाते हैं और सामने चार बंदे बचेंगे और मैं अकेला बचूंगा। और इस ट्रिक को यूज करने के बाद में आप चारों बंदे को इजीली मार सकते हो गाइस। चलो गाइस मैं आप लोग को मार के दिखाता हूं एंड कौन सा ट्रिक है वो जानने के लिए गाइस आप लोग बने रहना, ठीक है गाइस। सबसे पहले तो देखो गाइस यहां पर आ जाना एंड इसका कवर लेना है, यही वो ट्रिक है गाइस जिसकी मदद से आप लोग के बंदे
टच भी नहीं करेंगे और सामने चारों बंदे इजिली मर जाएंगे। देख सकते हो मैं सामने वाले बंदे को मार रहा हूँ एंड सामने वाला बंदा मुझ पर डैमेज ही नहीं दे पा रहा जब भी मैं उसके पीछे रहता हूँ। तो दो गाइस देख सकते हो, एक बंदे को मैंने मार दिया, दूसरे बंदे को मैंने इजिली मार दिया है एंड गाइस बचे दो बंदे और उसी ट्रिक का मैं यूज करके इस दोनों बंदे को इजिली मारूंगा और वो बंदा मुझे टच भी नहीं कर पाएगा उस जगह पर बैठने के बाद। हाँ गाइस, ये काफी शॉकिंग रिजल्ट है, आप लोग इसको ट्राई जरूर करना। एंड देख सकते हो सामने वाला बंदा मुझे पर डैमेज ही नहीं दे पा रहा है एंड देख सकते हो मैंने इसको मारा और नॉक कर दिया एंड इसके पीछे मैंने बैठ चुका हूँ, यहाँ पर हेडशॉट लग चुका है। गाइस आप लोग ने देखा, ये ट्रिक काफी ज्यादा अच्छा वर्क करता है। इसी तरह का ट्रिक जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। ट्रिक नंबर टू, ये वर्क करने वाला है पोचिनोक के पास एंड काफी अच्छा एडवांटेज लेवल का यहाँ पर से आप लोग को ये ट्रिक देखने को मिलेगा एंड ये हिडन प्लेस देखने को मिलेगा। तो गाइस जो ग्लूवल इस वाले प्लेस के आसपास आप लोग इजीली लगा देना है एंड लगाने के बाद आप लोग इसके ऊपर आ जाना है एंड गाइस इसके ऊपर आने का एडवांटेज ये है कि आप किसी भी बंदे को मारोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आप मार रहे हो। एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हो एक बंदा आ चुका है, इसको मैंने मारने का ट्राई कर रहा हूँ पर उसको पता नहीं चल रहा है। इसके बाद यहाँ से आके इसको मैं मार देता हूँ और सामने वाले बंदे को भनक तक नहीं लगी कि मैं किधर से मार रहा हूँ। एंड एक सामने बंदा आ चुका है तो मैंने इसको मारने का ट्राई कर रहा हूँ, क्या ही तो हेडशॉट लगा है एंड काफी अच्छा विक्ट्री भी हो चुका है, आप लोग अच्छा रैंक पुश कर सकते हो। एक नंबर वन, ये वर्क करने वाला है हमारा इंटेलेक्ट सेंटर में जो कि काफी मस्त ट्रिक है। इसको गाइस समझो स्पेशल ट्रिक है, आज से पहले किसी भी बंदे ने ये ट्रिक को अप्लाई नहीं किया है। हाँ गाइस, चलो गाइस आप लोग को मैं दिखा देता हूँ ये कैसा ट्रिक है। सबसे पहले आप लोग को आना है इस वाले जगह पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आप लोग ध्यान से एक ग्लूवल डालना, दो ग्लूवल डालना एंड तीसरा ग्लूवल कुछ इस तरह से ही डालना, ठीक है गाइस। उसके बाद आप अपने एक बंदे को बुलाना, उसके बाद इसके ऊपर चढ़ना, लेकिन आपको ध्यान से इस पर चढ़ना है नहीं तो आप लोग नीचे गिर जाओगे। देखो मैं नीचे आ चुका हूँ, नीचे गिर चुका हूँ एंड फिर से ट्राई करना आराम से, स्कोप लगा लेना इसके ऊपर चढ़ने से पहले एंड जैसे स्कोप लगाओगे इसके ऊपर आ जाना है। एंड गाइस देखो एक चीज ध्यान से देखो, तीन बंदे अभी भी बचे हुए हैं एंड गाइस मुझे इतना अच्छा कवर मिलता है ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, इस ट्रिक को अप्लाई करके मैं काफी अच्छा रैंक पुश किया हूँ। देखो एक सामने बंदा है एंड उसको मार रहा हूँ भाई, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से बंदे मार रहे हैं। एंड देख सकते हो एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया है, मेरे बंदे को नॉक कर दिया, एक सामने बंदा जा रहा है उसको भी मैंने नॉक कर दिया है एंड गाइस उसको पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ से बंदा मार रहा है। एंड गाइस इस ट्रिक को यूज करने के बाद ऑफिशियली गाइस मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड काफी अच्छा मैं रैंक पुश कर लेता हूँ। एंड देख सकते हो यहाँ पर एक बंदा बचा हुआ है तो शायद वो नीचे होगा तो मेरा टीममेट मार देगा उसको इजीली। एंड देख सकते हो इस ट्रिक का यूज जरूर कर लेना एंड इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना दोस्तों, इसी तरह के ट्रिक जानने के लिए।